अभी सुनो, पहले जल्दी कर लेते हैं उसके बाद बाहर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बाय विशिंग एवरीबडी अ वेरी हैप्पी होली फर्स्ट ऑफ ऑल। और अन्वी की रासलीला हम लोग थर्ड बार कर रहे हैं, थर्ड ईयर ऑफ अन्वी की रासलीला। और सारे लोग आते हैं, सब क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, सबसे मिलना हो जाता है। एक त्यौहार वाली फीलिंग भी रहती है कि यू नो, त्यौहार दोस्तों के साथ मनाना। मुझे ऐसा लगता है कि होली ऐसा है जो सब लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मनाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर फैमिली त्यौहार था जो हम दोनों को बहुत पसंद था पर्सनली। जब हमारी शादी की पहली होली थी ये, उस पर हमने सोचा था कि चलो हम अपने फैमिली के लिए एक होली पार्टी रखते हैं। बट समहाउ इतना अच्छा वो हुआ कि हमने सोचा अब एनवी की रासलीला हर साल होना चाहिए और हर साल आप लोग यहाँ वो एक्चुअली हुआ गया था। जब पहली थी तो हमारी शादी के जस्ट बाद वाली थी, तो हम लोगों ने थोड़ा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कर लिया था। लेकिन फिर अब सबको मजा आ गया, आप सब लोग खुद ही बोलते हैं अब एनवी की रासलीला इज इन डिमांड। बहुत होने वाली क्योंकि कुछ जर्नी में और कुछ नए लोग जुड़ गए हैं, वो सब भी साथ में आज होंगे। तो यू नो, बस वो फील ही बहुत अच्छा होता है कि त्यौहार आप अगर अपने दोस्तों के साथ एक साथ मना सको अपने एक प्राइवेट माहौल में, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो मुझे लगता है बेस्ट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग होली। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मतलब आज का दिन मेरे लिए बहुत सारे सेलिब्रेशन लेकर आता है क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और वो भी एक सेलिब्रेशन है और फैमिलीज यहाँ पर है, वो एक सेलिब्रेशन है। और ऑफकोर्स होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमेशा हम मनाना चाहते हैं और हमेशा मनाते रहते हैं। Thank you. मुझे ऐसा लगता है एज एन आउटसाइडर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट पार्ट जहाँ पर यू नो आपको वैसा रोल मिल जाए जैसा आप चाहते हो, यू नो। पर जब ये रोल मुझे आया, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि यू नो मेरे को एक ऐसा रोल मिल रहा है जो शायद इस इंडस्ट्री में अभी कोई नहीं करना चाहेगा, यू नो। और मैंने उस चैलेंज को लिया जहाँ 16 इयर्स टू 60 इयर्स का ग्राफ मेरे लिए एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर बहुत बड़ी बात थी। और उसको जब मैंने खुद अपने आप को देखा और यू नो वो देखा तो बहुत अच्छा लगा। और
यमुना बाई ऑफ कोर्स एक ऐसा किरदार रही हैं जो बहुत पावरफुल हैं और जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए इतना डेडिकेट, अपने फैमिली के लिए इतनी डेडिकेटेड रही हैं, तो जब ऐसे किरदार, स्ट्रॉन्ग किरदार मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत दिल से उन्हें करना चाहती हूँ. सो आई एम ग्रेटफुल कि लोगों को ये अच्छा लगा और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं. तो कलर मतलब यू नो मेरा तो वाइट ही है. मेरा भी वाइट है. व्हाइट कलर ही सबसे अच्छा कलर होता है. आई थिंक व्हाइट एक ऐसा कलर है जो सबके साथ ब्लेंड हो जाता है, उसमें कोई भी कलर चढ़ जाता है, इसलिए व्हाइट ही. अब आ चुका है. वो सलमान सर ने बोला था ना आपको, आप सलमान सर से पूछ के आइए, मुझे भी जानना है. बट नहीं, अभी नहीं, बातचीत चल रही है. यस यस, यू विल गेट टू नो सून. थैंक यू सो मच. हैप्पी होली सबको. हैप्पी होली, हैप्पी होली, एंजॉय करो, मिलते हैं जल्दी. यार यार सावरकर का गाना बजवाओ. ये क्या है यार, ये गलत है यार. सावरकर सावरकर आप लोग बोली थी फिर यार. एक सेकंड, मोजो कहाँ है? मोजो